ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो देवर्षि वासुदेवाय। देवर्षि कामदेव को रोकिए, देवर्षि वो आपका तप भंग करने आए हैं। कामदेव, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बार शिव के द्वारा भस्म हो जाने के बाद भी आपने कोई शिक्षा नहीं ली? बंद कीजिए सब। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें केवल मानव का ही नहीं, देवताओं का भी लाभ निहित है। मैं तो श्री नारायण को रावण के नाश के लिए अवतार लेने पर विवश करने के लिए यह तप कर रहा हूं। क्षमा करें देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। देवराज को आपके तप से संकट का आभास हो रहा था। देवराज से कहिए कि उनका सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है। अब आप जाइए यहां से, मेरे तप में विघ्न मत डालिए। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। मुझसे भी भूल हुई देवर्षि, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि। हमारे अहोभाग्य जो आप आज यहाँ पधारे। नारायण नारायण। कहिए देवर्षि, कैसे कष्ट किया? कुछ नहीं भोलेनाथ, बस आपके और शेरों वाली के दर्शन करने को मन हुआ तो चला आया। क्या बात है देवर्षि,
आज तो आपका स्वर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है और आपके नेत्रों में भी आज कुछ विशेष चमक दिखाई दे रही है और आज आपकी मुस्कान भी कुछ अधिक ही रहस्यमय लग रही है। क्या बात है देवर्षि, कोई समाचार लेकर आए हैं? समाचार तो अवश्य लाया हूँ शेरों वाली, किंतु वह समाचार शुभ है या अशुभ इसका निर्णय तो भोलेनाथ ही करेंगे। मैं? ऐसा क्या समाचार लेकर आए देवर्षि, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे आशा है कि आप मेरा कथन सुनकर बुरा नहीं मानेंगे। ये तो कथन पर निर्भर है देवर्षि, परंतु आप निश्चिंत रहें, आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहें। भोलेनाथ, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अच्छा? हाँ भोलेनाथ, कामदेव के जिस बाण से आप घायल हो गए थे उस बाण का मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना भोलेनाथ? नहीं, कदापि तनिक भी नहीं, किंतु देवर्षि मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ भोलेनाथ, अवश्य कहिए। मुझे आशा है देवर्षि अब आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं बुरा नहीं मानूंगा भोलेनाथ, कहिए। देवर्षि, जो बात आपको कहनी थी वो आपने मुझसे तो कह दी, किंतु यही बात श्रीहरि विष्णु से मत कहिए, अन्यथा घोर संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम माते। बहुत दिनों से आप दोनों के दर्शन नहीं हुए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जीवन में कुछ घट सा गया हो, तो नेत्रों की प्यास बुझाने आ गई। आप दोनों के दर्शन हो गए, मेरी तृप्ति हो गई। देवर्षि, हमारे भी यह भाग्य कि आप पधारे हैं। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका मुख कमल पुष्प की भांति खिल रहा है, लगता है कोई महान अभियान सफल करके लौटे हैं। आपकी इसी बात पर तो मैं आपका दास बन गया हूँ माते, आप मेरा मुख देखकर ही मेरे मन की बात भांप लेती हैं। धन्य हो माते, आप धन्य हैं, आप महान हैं, जय हो आपकी। अरे देवर्षि, मैं भी तो आपसे स्नेह करता हूँ, मुझे भी तो अधिकार है कि आपकी प्रसन्नता का कारण जानूं। हे जगदीश्वर, आपसे क्या छिपा है, आप ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के ज्ञाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं कि बात क्या है। यही समझ लीजिए देवर्षि, पर बताइए तो सही, और ये भी बताइए कि आज आप कहां से चले आ रहे हैं। मैं कैलाश से आ रहा हूँ। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन के लिए? हाँ, उनके दर्शन करने को भी, और उनसे वह बात कहने भी जो मैं आपको बताने आया हूँ। अब आप बताइए भी, हमारी व्याकुलता और ना बढ़ाइए। माते, सर्वेश्वर, मैंने उसे जीत लिया जिसे शिव शंभु भी ना जीत पाए। किसे जीत लिया आपने? माते, मैंने कामदेव को जीत लिया, आया था मेरी तपस्या को भंग करने, बड़े बाण चलाए उसने, मैंने भी आंखें खोलकर उसे ऐसी फटकार सुनाई कि अपने बाण संभालकर भागते ही बना। माते, मैंने ये बात शिव शंकर को सुनाई तो उनका मुख उतर गया। माते, काम को जीत पाना कुछ सरल कार्य नहीं है, आपने सत्य कहा, मैं अभियान जीत कर आया हूं, अब मुझे किसी का भय नहीं। कामदेव कभी मेरे पास आने का दोबारा साहस नहीं करेगा। अच्छा माते, अच्छा सर्वेश्वर, अब मैं चलता हूं, मुझे अपना तप पूर्ण करना है। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम माते। नारायण नारायण। कितनी दुख की बात है कमल नयन, देवर्षि के स्वर से अभिमान टपक रहा था। हाँ महादेव, देवर्षि के इस व्यवहार ने मुझे भी चिंतित कर दिया है, किंतु मैं देवर्षि को अभिमान के हाथों नष्ट नहीं होने दूंगा। नारा
नारायण नारायण। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं कुछ वर्षों पूर्व यहाँ आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अब तो यहाँ नगर बसा हुआ है। वह भी कितना विशाल और कितना सुंदर। सुनिए सुनिए सुनिए, समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है कि आज महाराज शील निधि नगर में यात्रा के लिए निकल रहे हैं। प्रजा को अपने प्रिय महाराज के दर्शन और स्वागत के लिए आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। रुको सारथी, प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान, आज का दिन कितना शुभ है। मुझे संसार के महानतम मार्गदर्शक देवर्षि नारद के दर्शन हुए। आपका मार्गदर्शन मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। ये तो आपकी महानता है राजन, किंतु इस समय तो मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं और आपका मार्गदर्शन करूं? मुझ में इतनी क्षमता नहीं है देवर्षि, और ना ही इतनी योग्यता है मुझ में। मैं तुच्छ मानव भला आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूं? कर सकते हैं राजन, अवश्य कर सकते हैं। मुझे इतना तो बता ही सकते हैं कि जंगल में मंगल कैसे हो गया। मैं कुछ वर्ष पूर्व यहां आया था तो इस छोर से उस छोर तक सन्नाटा फैला हुआ था, किंतु आज हर जगह चहल पहल है। एक विशाल और सुंदर नगर का निर्माण हो चुका है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसे आज ही सजाया गया हो। आपने सत्य कहा देवर्षि, इस शील नगर का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ है, और यह भी सत्य है कि आज इसे नए सिरे से सजाया गया है, क्योंकि शील नगर की राजकुमारी अर्थात मेरी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की घोषणा कर दी गई है। बधाई हो राजन, ईश्वर करे आपकी पुत्री को ऐसा वर मिले कि सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाए। ऐसे नहीं देवर्षि, ये आशीर्वाद आपको राजभवन चलकर स्वयं मेरी पुत्री को देना होगा। मुझ सन्यासी को आप कहां राजभवन लेकर जाएंगे? आशीर्वाद दूर से दिया जाए या पास से, क्या अंतर पड़ता है राजन? अंतर पड़ता है देवर्षि, आपका आशीर्वाद तो वरदान है ही, किंतु आपके दर्शन की बात ही कुछ और है। आपको देखकर मेरी पुत्री धन्य हो जाएगी। मेरा आग्रह है आप राजभवन चलें। नारायण नारायण। अब आप इतना विवश कर रहे हैं राजन, तो चलना पड़ेगा ही। चलो सारथी। महारानी आइए, महारानी। महारानी महारानी। देवर्षि, प्रणाम देवर्षि। आयुष्मती भव। महारानी, हमारे भाग्य से देवर्षि नारद हमारे भवन पधारे हैं, आप स्वयं जाकर विश्व मोहिनी को ले आएं। अवश्य महाराज। देवर्षि, विश्व मोहिनी मेरी अकेली संतान है, मैंने अपना सारा प्रेम उसी पर लुटा दिया है। लीजिए, वो आ गई।
प्रणाम देवर्षि। देवर्षि प्रणाम। आयुष्मती बाबा, राजन आप तो कह रहे थे कि आपकी पुत्री आपकी अकेली संतान है। नहीं राजन, वो तो सारे विश्व में अकेली है, एक ही है, बेजोड़ है, अद्वितीय है। राजन मैं इसके मुख की आभा देखकर कह सकता हूं कि जो भी इससे विवाह करेगा सारे संसार की ईर्ष्या का कारण बन जाएगा। हे देवर्षि, मेरी पुत्री के भविष्य के विषय में कुछ बताइए। महारानी, आपकी पुत्री के भविष्य का भी पूर्णतया निर्माण नहीं हुआ है, हो रहा है, बन रहा है, और जब बन जाएगा तो आप सब चकित रह जाएंगे। नारायण नारायण। हुआ महादेवी, ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही हैं? अपने देवर्षि को देखकर हंसी आ रही है। तो, क्या हुआ? बड़े ऊंचे स्वर में बोलकर गए थे कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है। कामदेव के जिस बाण ने भोलेनाथ को घायल कर दिया था उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, पर विश्व मोहिनी के नेत्रों के पहले ही बाण से हमारे देवर्षि धराशायी हो गए। सारे बड़े बड़े बोल धरे के धरे रह गए। देवी अभी तो खेल आरंभ हुआ है, आगे आगे देखिए क्या घटित होता है। परंतु हे कमलनयन, एक रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। विश्व मोहिनी तो वही वेदवती है ना जिस पर दुष्ट रावण की कुदृष्टि पड़ी थी और उसने उसका सतीत्व भंग करना चाहा था, ये कैसे रहस्य है? महादेवी मैं आपको उस दिन का संपूर्ण वृत्तांत बताता हूँ। रावण जो करना चाह रहा था वो कर नहीं सका, क्योंकि मैंने उसके अपवित्र निश्चय को विफल कर दिया था। महादेवी, वेदवती ने मुझे पुकारा था और मैंने स्वयं अग्निदेव को भेजकर उसकी सहायता की थी। नहीं, छोड़, छोड़, हे नारायण, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, मेरे स्तित्व की रक्षा करो नारायण। मैं सम्मान को कर जीवित नहीं रहना चाहती, इससे तो अच्छा है मैं अभी यही बस हो जाऊं। मेरे मार्ग में बाधा डालते रहते हैं, पर मैं भी रावण हूं, लंकापति रावण। जब तक मैं देवताओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लूंगा शांति से नहीं बैठूंगा मैं। महादेवी, यदि स्त्री में साहस हो तो वो मर सकती है, परंतु किसी पापी के समक्ष आत्मसमर्पण कदापि नहीं कर सकती। वेदवती ने भी यही किया। विश्व मोहिनी वेदवती का दूसरा जन्म है महादेवी। नारायण नारायण। अरे देवर्षि, आइए ना, आइए ब्रह्मचारी नारद। नारायण, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता देवर्षि, बताइए। नारायण, शीलनगर के राजा शील निधि की सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। तो क्या हुआ देवर्षि, किसी कन्या की सुंदरता और स्वयंवर से आपको क्या लेना देना?
आप तो काम को जीत चुके हैं ना। मुझे और लज्जित न कीजिए माते, सत्य तो ये है कि जब से मैंने विश्व मोहिनी को देखा है मेरे मन में उससे विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। देवर्षि, विवाह की इच्छा तो प्रकृति की सुंदर देन है, परंतु आप इतने व्याकुल क्यों हैं देवर्षि? आप ही ने तो कहा भी कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। हाँ नीलकंठ, तो फिर जाइए स्वयंवर में भाग लीजिए, भला कौन है जो आपके आगे ठहर सके देवर्षि? और आपके होते हुए विश्व मोहिनी किसी और के गले में वरमाला डाले, ये कभी हो सकता है? यही तो भय है जगदीश्वर, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक सजीले नवयुवक और राजकुमार आएंगे जिनकी वेशभूषा और सजधज निराली होगी। हे नारायण, उन राजकुमारों और नवयुवकों के सामने मैं सीधा साधा रूखा फीका सन्यासी कहां टिक पाऊंगा? अपने वस्त्रों और इस रूखे फीके रूप को देखकर तो मैं तो विश्व मोहिनी की दृष्टि में ही नहीं आ पाऊंगा। समस्या है देवर्षि, समस्या है, बड़ी बिकट समस्या है। तो क्या आप चाहते क्या है देवर्षि? हे सर्वेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए। मेरे इस रूप को आप इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। आप चिंता न करें देवर्षि, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। कल्याण मस्तु। मुझे आज्ञा दें प्रभु। नारायण नारायण। कमलनयन, अब आप क्या करेंगे? वही करूंगा जो देवर्षि चाहते हैं, उन्हें जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। नारायण नारायण। हे नारायण, आपकी जय हो, आपने मेरा कल्याण कर दिया। मुझे ऐसा रूप दे दिया कि मैं सबसे अलग सबसे श्रेष्ठ दिखाई दूंगा, कोई मेरे मुख से दृष्टि हटा ही नहीं सकेगा। नारायण नारायण। Thank you.
यः पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो हरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति सजीले आए हुए, किंतु किसी को देखकर लोग इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना मुझे देखकर हो रहे हैं। अवश्य ही मेरे नारायण ने मेरा कल्याण कर दिया है। अतिथिगण, आपने दूर दूर से शीलनगर पधारकर मेरा मान बढ़ाया है। मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आपने मुझ पर उपकार किया है, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं वानरराज भी पधारे हैं। मेरी पुत्री के सौभाग्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को अनुमति दे रहा हूं कि वह जिसे भी चाहे अपना पति स्वीकार कर ले। मैं निसंकोच उसे अपना जामाता मान लूंगा। विश्वमोहिनी, आयुष्मती मुझे ध्यान से देख नहीं पाई। नहीं,
लगता है मैं स्वयं को ठीक से दिखा नहीं पाया। राजकुमारी, बानरराज तो आप ही को देख रहे हैं। इस बार लगता है सखियों ने बातों में उलझा लिया। कोई बात नहीं, मैं भी साहस नहीं छोड़ूंगा, एक बार फिर प्रयास करता हूं। अचंभे की बात है, एक ही रूप के तीन तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। नहीं देवी, मैं वही हूँ, एक ही हूँ। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। मैं ही तीन बार राजकुमारी के सम्मुख आने का प्रयास कर चुका हूँ। चौथी बार प्रयत्न मत करना, आपका सुंदर मुखड़ा तीन तीन बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। हे हरिहर, अहो भाग्य, आज आपके दर्शन हुए, मेरी तपस्या सफल हुई। हाँ देवी, तुम्हारे वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा ने मुझे तुम्हारे समीप आने पर विवश कर दिया है। आओ, मुझ में समा जाओ। क्षणिक सफलता पर किया जिसने भी अभिमान,
पछताएगा एक दिन, रहे सदा ये ध्यान। बड़ा बोल मत बोलिए, ईश्वर को ना भा हो न कहीं ये एक दिन सिर नीचा हो जाए, सिर नीचा हो हे नारायण, ये आपने क्या किया, क्यों किया? चौथी बार प्रयत्न मत करना, आपका सुंदर मुखड़ा तीन तीन बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं, वानरराज भी पधारे हैं। कमल नयन देवर्षि आ रहे हैं, ज्वालामुखी फटने ही वाला है, बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी नारायण, मेरी जग हसाई करवाकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जग हसाई करवाई है, उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीख मांगनी होगी। हे लक्ष्मी नारायण, मुझे आज बहुत दुख है, मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है। यदि आपको स्वयं विश्वमोहिनी से विवाह करना था तो आपने मुझे प्रोत्साहित ही क्यों किया, मुझे स्वयंवर में भाग लेने के लिए उकसाया ही क्यों? मैंने तो आपसे अपना कल्याण करने की विनती की थी, आपने मुझे उपहास का पात्र बना दिया। माते, माते आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? अपने पुत्र के अपमान पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं माते? हे कमलनयन, देवर्षि के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। देवर्षि, आपने दो प्रश्नों का उत्तर चाहा है। पहला ये कि मैंने आपको विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया, और दूसरा ये कि आपको वानर रूप देकर मैंने आपका उपहास क्यों करवाया। हाँ नारायण, और मुझे अपने इन दो प्रश्नों का उत्तर यहीं और अभी चाहिए। निस्संदेह देवर्षि, जहां तक आपको स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का संबंध है, तो मैं आप पर यह सत्य प्रकट करना चाहता था देवर्षि, कि आपकी उस घोषणा के उपरांत भी कि आपने काम को जीत लिया है, आप काम को जीत नहीं पाए। देवर्षि, यदि आपने काम को जीत लिया होता तो विश्व मोहिनी को देखने के उपरांत आप उस पर आसक्त न हुए होते, अपना आपा न खो बैठते। हे देवर्षि, धरती पर जो कुछ हुआ
वो तो केवल मेरी लीला थी, सर्वत्र माया का खेल था। लीला थी, खेल था, माया थी, मैं समझा नहीं नारायण। हाँ देवर जी, वेदवती आपके नारायण की भक्त थी, इन्हें पाना चाहती थी, परंतु रावण की दुष्टता के कारण उसके जीवन का अंत हुआ। तब उसने विश्वमोहिनी बनकर अपने आराध्य विष्णु को पा लिया। हाँ देवर्षि, देवर्षि नीचे देखिए, जहां आपको शील नगरी दिखाई दी थी, राजा शील का भवन दिखाई दिया था, विश्वमोहिनी का स्वयंवर मंडप दिखाई दे रहा था, अब वहां क्या है? किंतु हे लक्ष्मी नारायण, मुझे वानर रूप देकर मेरा उपहास करने की क्या आवश्यकता थी? देवर्षि, मैं तो केवल आपको यह बताना चाहता था कि जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार डेरा जमा लेता है तो उसका अच्छा भला रूप भी बिगड़ जाता है। देवर्षि, जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार के मद में चूर सिर उठाए और छाती फुलाकर चलने लगता है तो यह भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर बुद्धिमान व्यक्तियों को हंसी आती है। देवर्षि, जिस प्रकार दिए की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जलाकर राख करती है, उसी प्रकार ऋषि का अहंकार उसके तेज और तप का नाश करता है। हे ब्रह्मापुत्र, मैं आपके तेज और तप को अहंकार की अग्नि से बचाना चाहता था, वो आपका उपहास नहीं था। देवर्षि, मैं जानता हूं कि आपके मन से अब अहंकार निकल चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मी नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा। देवर्षि, पर ये तो बहुत बुरा हुआ। देवर्षि, क्या बुरा हुआ? माते, मैंने अपने उपहास के आवेश में आकर नारायण को मानव योनि में जन्म लेने, पत्नी के वियोग को झेलने और वानरों से सहायता लेने का श्राप दे दिया। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं नारायण? देवर्षि, आपका ये श्राप सिर आंखों पर, और आपके इस शाप का एक अंश तो अतिशीघ्र रंग लाएगा। रावण के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, मानवता कराह रही है देवर्षि, और मानवता की कराह को मैं अनसुना नहीं कर सकता। और देवर्षि, यह भी तो संभव है कि आपके इस शाप में भी मानव कल्याण का महान उद्देश्य निहित हो। देवर्षि के शाप से मैं भी तो मुक्त नहीं हूं कमल नयन। महादेवी, हम दोनों को धरती पर जाना होगा। देवर्षि के शाप के कारण मुझे रघुकुल जाना होगा, और आपका भी मिथिला नगरी में जाना निश्चित है। महादेवी, आप महाराज शीरध्वज के घर जन्म लेंगी। महाराज शीरध्वज के घर? कौन महाराज शीरध्वज कमल नयन? महादेवी, मिथिला के नरेश राजा जनक का वास्तविक नाम है शीरध्वज। उनके वंश के हर राजा को विदेह या जनक कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि उनका आदि पुरुष एक मृतक की देह से जन्मा था। मृतक की देह से? ऐसी विचित्र बात कहकर आपने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। भला मृतक की देह से कोई जीवित कैसे जन्म ले सकता है? महादेवी, अच्छा होगा कि जिस वंश में आप जन्म लेने वाली हैं उसके विषय में सब कुछ जान लें। मैं जानने के लिए उतावली हो रही हूँ कमल नयन। बहुत पहले एक राजा निमि हुआ करते थे, जो बहुत ज्ञानी, विद्वान और प्रतापी थे। एक बार उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया महादेवी, और उन्होंने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को पौरोहित्य के लिए आमंत्रित किया।